गुलबर्गा शहर से किसान बेलगाम असेंबली के लिए आंदोलन शुरू कर चुके हैं। आज सुबह किसान गुलबर्गा डीसी ऑफिस से बेलगाम के लिए रवाना हुए हैं। कर्नाटक प्रांत रईस संघ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले पिछले कई महीनों से किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। लगातार एहतजाज के बावजूद मौजूदा बीजेपी हुकूमत किसानों की मांग पूरा करना तो दूर, किसानों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मंडे यानी 26 दिसंबर को बेलगाम असेंबली में विंटर सेशन शुरू होने वाला है और किसान असेंबली के सामने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले हैं। इस मौके पर किसान लीडर्स ने मीडिया से बात कर कहा, बारिश में किसानों की फसल का नुकसान, सेरम चितापुर सीमेंट फैक्ट्री के जरिए खरीदी गई जमीन का असल मुआवजा, तोड़ बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट एमएसपी कानून का मुतालबा जैसे कई डिमांड को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही माइनिंग सेक्टर बिजनेस में बीजेपी के डोगलेपन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी हुकूमत को दो मुंह का सांप कहा गया है। आज जो है गुलबर्गा से जो है कर्नाटक प्रांत रईत संघ का जो एक जाथा निकल रहा है, ये आंदोलन जो बेलगाम में बेलगाम विंटर सेशन पर असेंबली विंटर सेशन चल रहा है, ये विंटर सेशन को जाके यहाँ से किसान वहाँ पे धरना करेंगे और अपनी मांगे प्रेजेंट करेंगे। जैसे हम सबको पता है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त कर्नाटक में हाईएस्ट क्रॉप लॉस से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है और यहाँ के किसान इस वक्त इतने मजबूर हालत में है कि वो अपना गुजारा करने के लिए उन्हें मुश्किल है। आज देखिए कर्नाटक प्रांत रईस संघ का जो डिमांड है, यहाँ से जो जाता निकल रहा है, यहाँ से जो एक आंदोलन जो लेके किसान बेलगाम जा रहे हैं, इनके जो डिमांड्स हैं कि यहाँ पे जो किसानों का फसल नुकसान हुआ है इनको पर एकड़ 25,000 का मुआवजा दिया जाए, जो क्रॉप को जो बारिश से लॉस हुआ है और जो डिसीज से लॉस हुआ है, जो रोग पकड़ा था फसल को, ये सारे चीज़ों से जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा डिमांड करते हुए किसान यहाँ से जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो गुलबर्गा जो कर्नाटक नॉर्थ कर्नाटक रीजन तोगरी बेल्ट के लिए, तोगरी प्रोडक्शन के लिए, रेड ग्राम तोर प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जिसको जोग्राफिकल टैग भी मिला है, और यहाँ पे बड़े अफसोस की बात यह है कि भाई आज तक जो तोगरी बोर्ड को रेड ग्राम बोर्ड को एस्टेब्लिश करके जिस तरीके से वर्किंग कंडीशन रहना चाहिए था आज तक वैसा कुछ नहीं है। तो किसानों का ये राइट संघ का ये डिमांड है कि तोगरी बोर्ड जो है रेड ग्राम बोर्ड को अच्छे से एस्टेब्लिश करके उसके लिए बजट अलॉट किए जाए। और साथ ही साथ अभी हाल में जो अफसोसनाक दर्दनाक वाकये जो हुए हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर किसानों ने खुदकुशी की है, जो रटकल ग्राम में हुआ है, फिर नंडली सेडम तालुके में जो किसान ने खुदकुशी की है, ये किसानों की खुदकुशी सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे फसल पूरी तरह नुकसान हो चुकी है, इनके पास आज इनका जरिया कोई नहीं बचा है और ये कर्जे में डूबे किसान साथ ही साथ किसानों का कर्जा माफ़ी का डिमांड भी कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो चितापुर और सेलम के जो किसानों का श्री सीमेंट फैक्ट्री और ओरिएंट सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो आंदोलन चला है, जो किसानों की ज़मीनें जो फैक्ट्रियों के हवाले कर दी गई, उनको सही से मुआवजा नहीं मिला, उनको जो कीमत मिलना था वो कीमत नहीं मिली, किसी को 2 लाख मिला, किसी को 50 लाख मिला, इस तरीके से जो नाइंसाफी की गई है कीमत देने में, किसानों की ये मांग है कि सबको बराबरी की कीमत दी जाए। और साथ ही साथ जो परिवार को वादा किया गया था, जो किसानों के परिवारों को नौकरी दी जाएगी, आज तक वो नौकरी नहीं दी गई है। यही डिमांडों के साथ गुलबर्गा से किसान आंदोलन बेलगाम असेंबली सेशन का धरना करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। इस तरह अब देखिए बीजेपी गवर्नमेंट का हिसाब ऐसा है, ये दो मुंह का सांप जैसा हिसाब है बीजेपी गवर्नमेंट का। जब अपोजिशन में होती है तो बड़े ज़ोर ज़ोर से किसानों के लिए बात करती है, किसानों को कंपनसेशन के लिए डिमांड करते हुए असेंबली बाइकआउट करती है, किसानों की आत्महत्या के ऊपर बड़ा हंगामा खड़ा करती है और किसानों को MSP दी जाए ये चीज़ों का डिमांड करते हुए काफ़ी आवाज़ करती है, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो वही बीजेपी खामोश बैठती है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी दो मुंह का सांप है, जब हुकूमत में होती है तो अलग बोलती है और जब अपोजिशन में होती है तो अलग बोलती है। आज देखिए गुलबर्गा का सिर्फ ना के किसान बल्कि कर्नाटका के जो माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए कारोबारी हैं, आज ये भी अपना आंदोलन खड़ा करे हैं। क्यों? 2018 में एक पॉलिसी आई थी, 2018 की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त की जो कुमार स्वामी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक माइनिंग सेक्टर को रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी लाए थे जिसको DGPS सर्वे कहा जाता है, यानी कि डिफरेंशियल ज्योग्राफिक पोजीशनिंग सर्वे, ड्रोन सर्वे होगा, माइनिंग के जरिए रॉयल्टी के जरिए
आमदनी होगी तो उसको लेकर किसानों का कुछ भला बेहतरी करने का एक पॉलिसी बनाया गया था, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने लॉबिज्म करके बड़े ज़ोरों शोर से इसको प्रोटेस्ट करते हुए कुमार स्वामी गवर्नमेंट के टाइम पे ये पॉलिसी को रोक दिया। लेकिन आज वही बीजेपी गवर्नमेंट वो DGPS सर्वे का वापस से लेके आ रही है। तो मतलब ये है, जब अपोजिशन में रहेगी तो अलग बात करेगी बीजेपी, जब हुकूमत में रहेगी तो अलग बात करेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है बल्कि दो मुँह का सांप है, कभी इस तरीके से डसेगा, कभी जनता को इस तरीके से डसेगा। हम यही कि कर्नाटका प्रांत राज्य संघ का यही डिमांड है कि तोगरी बोर्ड कायम की जाए, और जो एक्सपोर्ट की जा रहा है तोगरी तोर रेड ग्राम जो एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, किसानों को 25,000 पर एकड़ का मुआवजा दिया जाए, और सीतापुर और सीलम के किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं इनके डिमांड सारे माने जाए। यही बात के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। मैं कर्नाटका प्रांत राइट संघ से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जावेद हुसैन। ರೈತ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತೊಗರಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಬಾದ ಆಗೋಗಿದೆ, ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದೆ, ಕೈ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬರ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ NDRF ನಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ತರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋದ ತೊಗರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿವಿ. ನೆಟ್ಟೆ ಹೋದ ತೊಗರಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮಾನ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಹೊರದೇಶದ ತೊಗರಿ ಮೇಲೆ 50% ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರಿಗಿದೆ, ಅನಾಥ ಆಗಿದೆ, ಆ ತೊಗರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೇಡಂ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು 50 ಜನ ರೈತರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾಳೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು 9 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಜೀಪ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತ ಕಾಕ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ರೈತರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತೊಂದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.